सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी, होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो भैया, जैसा कि लोग इंदौर वासी इंदौर को इतना अच्छा सजा दिया है कि इंदौर वाले ही देखने के लिए निकल गए, सब लोग निकल गए, सिर्फ मैं रह गया था। तो अपन भी चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं गए होंगे, तो आपको वीडियो के द्वारा आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल मैं हूँ आईटी पार्क पे, यहाँ पर कुछ भी सजावट नहीं है फिलहाल की स्थिति में, ये आईटी पार्क। अभी अपन यहाँ से चलते हैं विजयनगर साइड, और भी बहुत सारी जगह, छप्पन सराफा जितनी जगह होंगी उतनी जगह पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी क्या भैया सजावट है। ठीक है, भाई लाइटिंग देखिए कितनी ज्यादा। पहले मोहित भाई इतनी लाइटिंग थोड़ी थी, मतलब ये देखिए ये जो पेड़ वगैरह यहाँ पे पूरा लाइट लाइट कर दिया, पहले इतनी ज्यादा लाइट नहीं थी। देखिए फॉर एग्जांपल अभी ये जैसे ये पेड़ वगैरह पे दो तीन हेलोजन लगा दिए, जैसे सभी पेड़ों पर लगाए हुए हैं, ऐसे पहले नहीं थे। जब भी ये प्रवासी NRI सबमिट थी उससे पहले नहीं थी, क्योंकि इधर इतना ज्यादा लाइट मैंने नहीं देखा भैया, बहुत ज्यादा लाइट है। और ऐसा है कुछ कुछ जगह किसी ने प्राइवेट भी लगा रखा है, जैसे इन्होंने सीरीज लगा रखी है, किसी ने पेट्रोल पंप पे सीरीज लगा रखी है, सबने मतलब अपने अपने साइड से भी डेकोरेशन की है। ये तो इंदौर की आदत है भैया। कोई व्यक्ति इंदौर आया हो वो यहाँ नहीं आए हैं, बेकार है उसके इंदौर आना। इंदौर की जान आन वान शान छप्पन। वाह, तो आई थिंक शायद वहाँ कहीं पे कुछ शो चल रहा था, मोदी जी की फोटो है, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा भारतीय प्रवास। हाँ भैया, यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह था। बाकी आप डेकोरेशन देखिए, काफ़ी शानदार, एक अलग नज़ारा, पूरा कलरफुल बन चुका है। ये देखिए सीरीज भी सारी जगह सभी ने लगा रखी है, वहाँ कहीं सीरीज, इधर अभी ये लगा दिए हैं, मतलब एक अलग माहौल हो गया। इससे कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन भैया इंदौर सुंदर खूबसूरत और बन चुका है। क्यों मोहित भाई, कैसा लग रहा है अभी? बहुत तगड़ा लग रहा है। और भीड़ भी काफी ज्यादा हो गई है, मतलब नॉर्मल टाइम तक तो 10 बज गई, वैसे अभी तक तो भीड़ बहुत कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन भीड़ बहुत बढ़ गई है। भीड़ बहुत बढ़ गई है क्योंकि भैया आधे से ज्यादा लोग अपनी तरह देखने के लिए निकल रहे हैं। ये बात तो भैया मीम्स में सभी जगह वायरल चल रही है कि इंदौर को सजा हुआ इंदौर वाले ही देखने निकल गए। ये देखिए भैया इधर सीरीज, काफी अलग माहौल, और ये व्यक्ति की वजह से हुआ है। धन्यवाद मोदी जी। स्नैप ले लेंगे रे गाइस, अभी हमारा भीख मांगता हूं मैं आपके आगे, स्नैप ले लेंगे मेरे को गाइस। अभी हमारा हलवा एक वो स्नैप ले रहा है, एक ये स्नैप ले रहा है, सभी स्नैप, एक और वो भी स्नैप ले रहा है। भाई साहब स्नैप का क्रेज देख रहे हो, ये मधुरम भैया आपकी दुकान ये स्नैप से चला रहे हैं। नहीं खैर सॉरी, गरीब आदमी ले खा ले, तू खा ले, ये ले भाई इसका भी ले ले। अरे यार भैया, मिडिल क्लास लोगों के साथ यही समस्या, अगर एक व्यक्ति एक कुछ लेगा तो उसका स्नैप सात लोग बनाएंगे, जैसा ये हो रहा है। तो भैया ये LIG पे सिंगापुर बिजनेस पार्क के ऊपर आप लाइटिंग देख पा रहे होंगे, ये जो रेस निकल रही है शायद दिख रही हो। ये देखिए, ये ब्रांड फैक्ट्री थी पहले, अब फैशन फैक्ट्री कर दी। चलो कोई बात नहीं। देखिए लाइटिंग, एक अलग माहौल लग रहा है भैया, पूरी जगह लाइट वाइट, ये तो इसको तो बहुत ही लाइट लाइट में कर दी है इनने सिंगापुर को, और इधर तो लाइट है ही भैया। ये देखो व्यू देखो आप तो यहाँ का, भाई साहब। तो भैया अभी हमने ले लिया कच्छ की प्रसिद्ध दावेली, जो कि LIG पर है। तो मोहित भाई यहाँ की, अगर अभी तक आपने दावेली नहीं खाई है तो एक बार जरूर खाएं। एड्रेस क्रिश्चियन एमिनेंट स्कूल के जस्ट सामने। आप वीडियो देखो जब तक हम दावेली खाते हैं। तो मोहित भाई ये क्या बात है। तो भैया अभी हमने ले लिया है बाबा महाकाल का प्रसाद, जय श्री महाकाल, प्रसाद खाते हैं। आप वीडियो देखो।
फाइनली जिस रास्ते का अपने को इंतजार था वहाँ आ गए। अभी अपन आ गए प्रेस्टीज कॉलेज ब्रिलियंट कॉन्वेंट के यहाँ पे, यहीं पे सारी चीजें चल रही हैं। बाकी शायद देखिए ये एमबीए चाय वाला और बाकी सारे कैफे जो हैं शायद बंद करवा दिए गए। अभी आई थिंक 11:30-12 बज रहे होंगे और पब्लिक का आना जाना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि अभी पहले मैं जब रील वील देख रहा था तब इधर पूरी भीड़ भीड़ थी। अभी फिलहाल में इधर बैरिकेड लगा दिए, शायद दिन में तो जाने भी नहीं दे रहे हूँ शायद। और आगे साफ सफाई आप देखिए भैया, रात हुई नहीं तो साफ सफाई चालू, और मतलब भीड़ बहुत कम दिख रही, नहीं तो इस रास्ते पे इतनी कम भीड़, या तो शायद डाइवर्ट कर दिया, दूसरा रास्ता कर दिया। अपन तो ब्लॉग के लिए आए थे तो अपन ने भैया गाड़ी डालो इधर। इधर देखिए सारे कैफेज बंद है, ये लगभग 12-12 बजे से ऊपर तक चलते थे मोहित भाई। ये देखो वृंदावन योलो तो हमेशा चलता था, ये भी बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है, इधर भीड़ नहीं हो, और इधर आप देखो सारे कैफे चाय सुट्टा बार वगैरह वगैरह सारे बंद है। बाकी ये लोकेशन है बापट स्क्वायर, ये देखो इधर भी यहाँ भी लोग खड़े हैं। बाकी सजाया इसको मतलब सारे चौराहों में इसको सबसे बेहतरीन सजाया। भैया एक बात का ध्यान रखें, थोड़े आराम से और प्यार से खड़े हों, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है इस चौराहे पे, तो प्यार से खड़े हों, आपकी वजह से या किसी की वजह से आप थूक ना जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। वापस अपन ने राउंड लगा लिया आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, ये देखो भीड़ मिलेगी भैया आपको, मुझे भाई इधर मत डालो सीधे चलने दो। ये देखो भैया गाड़ी में से निकल निकल के फोटो खींच रही है, चलो बढ़िया है। तो भैया अभी हमें राजवाड़ा में और बज रहे हैं रात के 12 बजे, और आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा। मैं पहले भीड़ देखी, ये गार्डन में इधर पूरी भीड़ भीड़ सब फोटो शूट कर रहे हैं। ये क्या प्यारा, कितना प्यारा लग रहा है, ये पूरा तिरंगे का वो बना दिया इन्होंने। इधर देखिए भीड़, 12 बजे इतनी भीड़ सोच सकते हो आप। मैंने कहा ना आपसे कि इंदौर को इतना सजा दिया कि इंदौर वाले ही उसको देखने के लिए निकल गया। मैं खुद बोलते बोलते भूलने लगा हूँ, और आप बोलोगे कि टोनी कक्कर बन गए हो कि भाई एक एक चीज़ कितनी बार रिपीट कर रहे हो अपनी कहूँगा भैया। मतलब एक अलग माहौल है, ये प्रवासी सम्मेलन के कारण बहुत बेनिफिट होंगे, काफ़ी सारे स्टार्टअप इंदौर में आएंगे, और बहुत सारे और जो तैयारी की है ऐसी पहले इंदौर में नहीं था। एक अलग इंदौर देखने को मिल रहा है इंदौर वासियों को, इसलिए इतने आ भी रहे हैं। और भैया स्वाभाविक के भाई जब इतनी डेकोरेट दीपावली पे नहीं हुआ उससे ज़्यादा अब हो रहा है, तो पब्लिक तो देखने को निकलेगी। ठीक है भैया, मैंने लगभग आपको सारी जगह दिखा दी है। सराफा में भी बहुत अलग सजावट है, फिलहाल अभी तो अपन नहीं जा पाएंगे क्योंकि मुझे घर भी जाना है और ब्लॉग एडिट करके आपको दिखाना भी है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है, इसलिए सारी चीज़ें उस हिसाब से रहें तो ठीक है भैया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और इतनी मेहनत की है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बोलते रहता हूँ तो कर देना ठीक है, और इंदौर के हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देखते हो तो भैया पूरी देखा करो ठीक है। बाय बाय।